होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे आप सबको मालूम है कि मेरी अभी जॉब रिसेंटली एसेंचर में हुई है एज एसएपी कंसल्टेंट, एंड मोस्ट मेरी वर्किंग एरिया जो एसएपी में वो प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग है, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग है, इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, बहुत सारे कॉस्टिंग एलिमेंट जो ड्यूरिंग दिस सिलेबस हम पढ़ते हैं, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं प्रैक्टिकली काम करने वाला हूँ एसेंचर में। एंड मुझे एक जो प्रोजेक्ट भी मिला है वो फॉरेन प्रोजेक्ट है, मैं प्रोजेक्ट का नेम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट वन ऑफ दी बेस्ट कंपनी है एंड ग्लोबल कंपनी है, उसका हर एक कंट्री में ऑफिस है, फैक्ट्री है। तो मुझे जो ट्रेनिंग दी थी वो इरशाद सर ने ट्रेनिंग दी थी, एंड इसलिए आज मैंने इरशाद सर को अपने चैनल पे फिर से लेके आया हूँ। सर एक बार पहले भी आए थे मेरे चैनल पे, बट मैंने कहा कि सर फिर से हम आते हैं, कुछ हम नया करते हैं। एंड बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर हम क्लास करना चाहते हैं एसएपी से रिलेटेड, तो एक बेस्ट फैकल्टी सजेस्ट करो। तो मुझे इरशाद सर से अच्छा कोई बेस्ट फैकल्टी नहीं लगता है, बिकॉज मैंने इनसे क्लासेस ली एंड आज मुझे अप्रॉक्स 12 to 13 lakh का पैकेज एसेंचर में ऑफर किया गया है। सो थैंक यू इरशाद सर कि आप चैनल पे। थैंक यू रोहन, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप बताओ आप कैसे हो? यस, हाँ मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। बहुत दिनों से आप कह रहे थे कि आप आइए सर, आइए आपको मैं तो मैं बच्चों को थोड़ा सा बता दूं, इरशाद सर के पास 7 to 8 years का एक्सपीरियंस है एसएपी में, एंड सर ने काफी सारे इम्प्लीमेंटेशन का काम किया है, सपोर्ट्स का काफी काम किया है। तो इनके पास एसएपी में सिर्फ सीओ मॉड्यूल में नहीं, इसके अलावा एफआई मॉड्यूल हो गया, एंड सर ने फंड मैनेजमेंट में सर ने अभी रिसेंटली अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो सर के पास काफी सारे एक्सपीरियंस है, एंड मुझे कभी भी डाउट होता है तो मैं सर को मैसेज करता हूँ, एंड सर मेरे को उसका रिवर्ट जरूर करते हैं। सो सर थोड़ा सा आप अपने बारे में और थोड़ा सा बच्चों को बताएं, जिससे काफी अच्छा रहेगा। आपने तो सब कुछ बता ही दिया, ठीक है। तो नॉर्मली बस यही कहूंगा कि जो भी है बस आप उनकी दुआएं हैं, और समझ लो कि बस छोटे भाई की तरह हो तो, और छोटे भाई का भाई बड़ा भाई है तो हम तो करना ही है, ठीक है। और मेरे को जितना भी नॉलेज है, चाहे वो एफआई का हो, चाहे सीओ का हो, या फिर फंड मैनेजमेंट का, ठीक है, कोई भी नॉलेज हो, किसी भी तरह का हो, कोई भी, मतलब अगर आपके सामने कोई इशू है, जैसे कि मैं हमेशा हेल्प करता हूँ, मैंने तो पहले ही कहा है कि आप मेरे को कोई भी इशू आए आप मेरे को व्हाट्सअप करो, ठीक है, अगर मैं फ्री रहूंगा तो तुरंत रिप्लाई करता हूँ। अदरवाइज अगर जैसे कि अगर कहीं अगर मैं बिजी हूँ, कहीं मीटिंग में हूँ, तो मैं मैसेज भी डाल देता हूँ कि आई एम इन द मीटिंग, आफ्टर द फेस ऑफ दिस मीटिंग आई विल कनेक्ट यू, एंड आप कनेक्ट भी करता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद आपके मतलब इशूज भी देखता हूँ। तो नॉर्मली यही है। और अभी क्या है कि आजकल कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं हैंडल कर रहा हूँ एक ही साथ, कुछ डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। पहले क्या था कि पहले एफआई से ही था, एफआई के बाद फिर सीओ में इन्वॉल्व हुआ, फिर सीओ से इन्वॉल्व होने के बाद धीरे धीरे होता है ना कि किसी का लिमिट नहीं है, आदमी जितना अगर आगे जितना सीखे वो और ऊपर जा सकता है। तो right. करते करते फंड मैनेजमेंट जो है, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल है जो एसएपी का बहुत अच्छा मॉड्यूल है, कंसल्टिंग बहुत कम मिलते हैं इसके, ठीक है, एकदम ना के बराबर है। तो धीरे धीरे मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, आज जो है फंड मैनेजमेंट का एक अच्छा मॉड्यूल है। तो बाकी तो सर रोहन आपने बता ही दिया है, ठीक है, और सर क्या हम एसएपी सीओ का मॉड्यूल जो हमारे कंट्रोलिंग का मॉड्यूल है, एंड मुझे लगता है कि वन ऑफ द डिफिकल्ट मॉड्यूल है एसएपी में, एंड मार्केट में इसके कंसल्टेंट काफी कम है। तो मोस्टली मैं बच्चों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि वो अगर एसएपी में कुछ करना चाहते हैं तो कंट्रोलिंग मॉड्यूल के साथ जाए, बिकॉज वो ऑलरेडी सीएमए कर रहे हैं, सीएमए कॉस्टिंग में ऑलरेडी एक्सपर्टाइज होता है, एंड आपके पास टेक्निकल स्किल हो जाएगी, तो आपको एक अच्छा वैल्यू एड होगा एंड एक अच्छा। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने एक चीज देखा है क्या कि इवन मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो हमारी कंपनी में भी जो सीएमए गाइज होते हैं और उनको अगर एसएपी का नॉलेज है तो क्या होता है कि हम अगर एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें ले लेते हैं और उनको हम अच्छा पैकेज देते हैं, ठीक है। और हमारी कंपनी में क्या है कि मैंने देखा है अच्छे अच्छे पैकेज पे लोग हायर होते हैं, और साथ ही साथ क्या कि मैंने कई जगह देखा है कि अगर सीएमए है या फिर सीए है या फिर कुछ इस टाइप का अगर लेवल लगा हुआ है, क्योंकि अगर मैं बीकॉम और एमबीए की बात करूँ तो बात मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा, ठीक है, अपने जगह पे है नॉर्मल, लेकिन जब सीएमए लग जाता है ना, अगर कोई बंदा सीएमए है तो मेरे ख्याल से तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कंट्रोल। कंट्रोलिंग में क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, क्योंकि कोई भी कंपनी है आज वो आपको ही पता है कि कोई भी कंपनी है, सारी की सारी कंपनी टिकी हुई है अपने सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स या सेलिंग ऑफ द सर्विसेज, कहीं ना कहीं कॉस्ट जो है हर जगह इन्वॉल्व, ठीक है, हर छोटी चीज से लेकर के बड़ी चीज तक कोई ना कोई कॉस्ट तो हर जगह इन्वॉल्व है। कॉस्ट मतलब जो एक्टिविटी है, कॉस्ट अकाउंटिंग कह लो आप या फिर कॉस्ट एक्टिविटी है, ये हर जगह इंक्लूड है, हर कंपनी में यूज होना है, ठीक। और इसका स्कोप इतना अच्छा है, आज अगर मैं इसकी बात करूँ तो एफआई
एफआई के तो ठीक है लोग हैं, मार्केट में काफी लोग आ चुके हैं, ट्रेनर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, गाइस हैं बहुत सारे, मतलब जो बंदे हैं बहुत सारे कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है एफआई में। लेकिन पता क्या, कंट्रोलिंग में अभी थोड़ा सा कम कंपटीशन है, और कंट्रोलिंग जो है काफी इंटरेस्टेड भी है। इंटरेस्टेड इसलिए है कि आपको खुद सोचो कि किसी चीज का आपको कोई कॉस्ट एस्टिमेट करना है, फिर उसका कॉस्ट प्लानिंग करना है, फिर जब वो प्रोडक्शन में जाएगा तो उसका एक्चुअल कॉस्ट निकालना है, फिर वेरियंस निकालना है, फिर वेरियंस के बाद सेटलमेंट। सो व्हाटएवर प्रोसेस रिक्वायर्ड इन द कंपनी वी नीड टू डू वन बाय वन। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, जैसे हम कोपा की बात करें तो कोपा में क्या होता है कि हमें प्रॉफिट पता चलता है कि हमें कहां से, किस सेगमेंट से, कौन से डायमेंशन से, कैसे प्रॉफिट हम रिसीव कर रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज, मतलब जो फील्ड है ये तो। कंट्रोलिंग तो मुझे भी बेस्ट लगता है, अगर मैं कहूँ तो मेरे को नॉलेज एफआई का भी है, सीओ का भी है, फंड मैनेजमेंट का भी है, तो कंट्रोलिंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय। ठीक है, मैं खुद ही कंट्रोलिंग में इंटरेस्टेड हूँ और काफी इंटरेस्टेड हूँ और काफी मजा आता है मेरे को करने के। राइट। और अगर अगर मेरे को अगर कोई कहे कि अगर किसी को सजेस्ट करना हो, जैसे कि आपने एक बात करना सीएमओ वालों के लिए, तो सीएमओ वालों के लिए तो आंख बंद करके कंट्रोलिंग बेस्ट है। मैंने बताया है कि अगर सीएमए है, अगर कोई बंदा है, कोई अगर कोई पीपल है या फिर कोई बंदा है, अगर वो सिर्फ एक्सपीरियंस होल्डर है, ठीक है, बहुत से आप देखोगे क्या कि जल्दी से फ्रेशर को अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर सीएमए गाइस है और सर रेसिपी का नॉलेज है वो भी कंट्रोलिंग का, तो मिनिमम जो है स्टार्टिंग है 6.6 या 6.5 या 6 या 7 के अप्रोक्स से उनका पैकेज स्टार्ट होता है। ठीक है, खैर पैकेज वैकेज तो खैर छोड़ो, वो तो बात अलग है। ठीक है, अब आप ही को देख लो। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सुना, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे बारे में। ठीक है, पता चला मेरे को जिस दिन आपका हुआ उसी दिन तुमने मेरे को मैसेज किया था ना। राइट है, और मेरे को थैंक यू भी लगा, आपने थैंक यू भी भेजा आपने मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इवन आप ही नहीं, ऐसे मेरे लगभग लगभग ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेटल लोग हैं, अगर हंडली वन और टू की अगर बात करें उनको, अगर छोड़ के अगर मैं बात करूँ, वो भी वो ऐसे है जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। लेकिन हाँ, एक चीज मानना पड़ेगा, तुम मुझे यहाँ नहीं रोक सकते बोलने से पहले, क्या है कि अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो वन ऑफ द जो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं आप उनमें से एक। ठीक है, मैंने चीज देखा है, आपने जो पढ़ने की जो सीखने की जो लगन थी ना, ठीक है, वाकई में थी। मैंने एक चीज देखा था आपको कि आप होता ना जैसे कहते हैं यस मैन, ठीक है, जो जैसे मैं कहता था कि आप इसको ऐसे ट्राई करो, आप इसको ऐसे प्रैक्टिस करो, दो बार करो, तीन बार करो, इतनी कंपनी बनाओ, पहले नोट्स बनाओ, नोट्स मुझे दिखाओ, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल दिखाओ, नोट्स इन द सेंस ऑफ बहुत से लोग लैपटॉप ही बनाते हैं। मैंने क्या कहा था आपसे कि पहले आप कॉपी पे बनाओगे, मुझे लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट वाला वो पसंद नहीं है, वो तो कोई भी आदमी कहीं से भी उठा के कॉपी पेस्ट नहीं। और मैंने क्या देखा था, हाँ में हाँ मिलाते थे, जैसा मैं बोलता था वैसा करते थे, और वाकई में क्वालिटी जो थी, ये सारी चीजें थी जो बहुत अच्छी थी। और अब देखो आज उसका सिला मिला कि आप सही है, स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में एक अच्छा पैकेज है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सुन करके। सो सर, मैंने नोट्स तो अभी तक रख रखा है अपने पास सच में, मैंने मतलब जो पेन पेपर का जो नोट्स होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो फिर अभी अभी हम अपनी बैच स्टार्ट करने वाले हैं, एंड स्पेशली मैं उस बैच के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि सर ये बैच स्पेशली फॉर सीएमए स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, एंड इसमें कंट्रोलिंग मॉड्यूल पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस है, एंड हम आपको कंट्रोलिंग मॉड्यूल की क्लासेस देंगे। इसकी जो क्लासेस चलेगी वो हम जूम के थ्रू, स्काइप के थ्रू आई थिंक सर पढ़ाएंगे, एंड आप उसमें फेस टू फेस, जैसा भी मैं सर से बात कर रहा हूँ, आप भी इस तरीके से सर से बात कर पाएंगे और अपने डाउट्स पूछ पाएंगे। एंड कोर्स कंटेंट आपको अलग से मिल जाएगा, आप मुझे पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पे कोर्स कंटेंट के लिए, मैं आपको कोर्स कंटेंट दे दूंगा। कोर्स फीस हम आपको वहाँ पे बता देंगे क्या प्रोसीजर है, एंड विदिन दिन वीक हमारा प्लानिंग है कि हम अपने क्लासेस को हम स्टार्ट करें। मैं भी सर के साथ इसमें इन्वॉल्व हूँ, बिकॉज मेरा खुद का इंटरेस्ट है। मैं जानता हूँ कि अगर आप एसएपी कर लेते हो ना, तो मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज कोई आपको बोल सकता है 6 लाख 7 लाख 8 लाख, बट मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपने 1.5-2 साल एसएपी में काम कर लिया तो आप 20 लाख पे भी पहुंच सकते हो, 30 लाख के पैकेज पे पहुंच सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पे, मैंने खुद देखा है सिंचन में। तो मुंह मांगे एचआर आपको पैकेज ऑफर करता है जब आपके पास
पास एक्सपीरियंस हो जाता है SAP में एंड आपके पास ऑलरेडी क्वालिफिकेशन होगा. सो इसलिए हम स्पेशली इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं एंड होप सो कि जिन भी बच्चों इंटरेस्टेड हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो. आप सबके पास मेरा नंबर है एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, मेरे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो cmrohanshrma.in जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. सर आप कुछ एड ऑन करना चाहते हो? अभी तो एड ऑन की अगर मैं बात करूँ तो मैं यही कहूंगा कि अभी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि देखिए SAP की अभी स्टार्टिंग, ठीक है, SAP की अभी स्टार्टिंग है. इवन अगर इंडिया की बात करें, अगर मैं ERPs की बात करूँ तो ERP तो और भी है, Oracle भी है, ठीक है, Tally भी है, Tally सब जानते हैं. लेकिन जो SAP का जो अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग की बात बात करूँ तो मैं अगर ये कहूँ तो 0.1% लोग भी अभी इंडिया में नहीं जानते, ठीक है. अब अभी ये सोच लो कि जब आने वाला जो समय होगा वो कैसा, जिस समय अभी जो टैली था लगभग अगर मैं 10 years before की बात करूँ तो हर जगह टैली टैली टैली, और अभी क्या है टैली की एक तरह से कहूँ तो आपको एक तरह से डूबता सूरज कह सकते हैं या फिर ठीक है वो भी है अपनी जगह पे, लेकिन SAP का अभी कोई कंपेयर नहीं कर सकता. अभी एकदम बेस्ट टाइम है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए. और दूसरी चीज ये है कि और अभी इस समय क्या है कि सबसे ज्यादा जो है अगर वैकेंसीज की बात करूँ तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज और ओपनिंग्स अभी भी आई हुई है. अगर आपको मैं तो यही कहूंगा अगर आपको किसी को भी अगर ये बुले ना हो ना तो एक बार अपना SAP से रिलेटेड CV बनाए और CV बना करके naukri.com पे उसको अपडेट करें, देखिए कॉल आते हैं. अरे मेरे पास अब भी रोज 2-3 कॉल आते रहते हैं, कभी टेक महिंद्रा से आता है, कभी इंफोसिस से आता है, उनके पास से कॉल आते रहते हैं मेरे पास. तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा, और जहां अपॉर्चुनिटीज है वहां चांसेस है हमारे सक्सेस होने की. राइट, 100% चांसेस है सक्सेस होना ही. बस हाँ, अगर कोई बंदा रोहन की तरह बन जाए, जैसा मैं कहूँ यस सर जैसा मैं बोलूँ वैसा करे तो 101% में लिख के देता हूँ गारंटी की वो सक्सेस. यस, ये मैं, बाकी तो बस आपने सब कुछ बता ही दिया है. ओके, सो होप सो कि स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट हो एंड हम इस जो भी स्टूडेंट हमारे पास आए उनको वन ऑफ द बेस्ट जॉब हम दिलवाएं एंड उनको एक अच्छी कंपनी में मेरे तरह एक जॉब मिल जाए. सो हम इस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, नेक्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगी हमारी बैच. सो आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो एंड हम इसके लिए फिर आगे डिस्कस करेंगे. जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो. सो थैंक्स फॉर कमिंग हियर सर एंड होप सो कि बच्चे हमारे पास आए और वो भी एक अच्छी जॉब लेके जाए. बिकॉज देखो क्वालिफिकेशन आपके पास है एंड उस क्वालिफिकेशन का बेस्ट यूज कैसे करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है. अगर आप बेस्ट यूज नहीं कर पाते हो तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा आप CMA करके, बिकॉज आप सबने CMA में पढ़ा है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है अपनी डिग्री का एंड उनके साथ ये सारी वैल्यू एड ऑन है और जिससे आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा. सो थैंक्स सर, मिलते हैं फिर से. थैंक यू, वेलकम. यस यस, ओके, चलो सी यू, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय, चलो बाय बाय, टेक केयर.